नमस्ते गुरु जी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम। बोलिए सर जी, सवाल। दुनिया में मारकाट क्यों हो रहा है? देखिए साहब, मारकाट इसीलिए हो रहा है कि उस आदमी की जो सोच है ना, मारकाट से जुड़ा हुआ है। आप बोलेंगे सोच कहाँ से आता है, क्योंकि ये आदमी आदमी नहीं है, आदमी की तरह दिखता है, आदमी की तरह दिखता है, लेकिन वो आदमी क्या है? आदमी क्या है? जंगली जानवर है, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित है, नरव्याघ्र है। नरव्याघ्र किसको कहते हैं? जंगल में शेर देखे होंगे, चीते देखे होंगे, और नरभक्षी और जो जीव जंतुओं को खाने वाला जीव जंतु देखे, कभी देखे हैं क्या? ये डिस्कवरी चैनल में आता है, ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में आता है, तो वहाँ क्या देखते हैं? वो खून का प्यासा होता है। क्या होता है? खून का प्यासा। और अपने भूख मिटाने के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, वो दूसरे जानवर जो कमज़ोर हैं उनकी हत्याएँ करता है, और बड़े चाव से चबा चबा के उसके हड्डी को, उसके मांस को खाता है। देखा है क्या? देखा है क्या? अब ये नालायक इंसान, वही नरव्याघ्र है जो आदमी की तरह दिखता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति खून का प्यासा है। वो क्या है? खून का प्यासा। इसीलिए धरती पर खून की नदियां बहाई इनका दारों ने। सबसे बड़ा दुष्ट जो दुनिया को अपने आप का विश्व विजेता मानता था, वो था अलेक्जेंडर द इडियट, अलेक्जेंडर द ग्रेट विलन। ग्रेट मत बोलो, ग्रेट हो ही नहीं सकता है जो मानवता को गुलाम बनाना चाहता हो। ग्रेट हो ही नहीं सकता है जो मानवता का खून का प्यासा हो। वो अहंकारी कभी महान हो नहीं सकता है जो अपने आप को सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान समझता हो। सबसे बड़ा महामानव हो सकता है कि अपने आप को मानवता के कल्याण के लिए, जीव जंतु पशु पक्षियों की रक्षा के लिए ज्ञानी बुद्ध बन जाए, जो शांति की बात करता हो, जो प्रेम की बात करता हो, जो समूह की भावना को अपनी भावना से जोड़ता हो, जो चार्ली चैपलिन की तरह ग्रेट डिक्टेटर बनाता हो, और वो पूरे दुनिया के मानव को बता देता हो कि तुम जानवर हो गए हो, तुम स्वार्थी हो गए हो, तुम लोभी हो गए हो, तुम लालची हो गए हो, तुम जंगली पशुओं की तरह दूसरों के खून के प्यासे बन गए हो। समझ गए हो क्या? तो दुनिया में आदमी मारकाट की बात इसीलिए करता है कि ये कमज़ोर को सता रहा है, क्या समझे? और सबसे कमज़ोर कौन है? जानवर, बोलो। और बड़े चाव से बोलता है, क्या खाओगे, भेज या नॉन भेज? बेशर्मो, नॉन भेज का मतलब क्या है? हमारे गरीब जानवरों को तुमने मार काट के, तरपा तरपा के किसी ने मारा, किसी ने सीधे मार दिया, और किसी ने किसी तरह से मारा, और उनके साथ शिकार भी किया, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ भी किया। इसीलिए ये नालायक मनुष्य मार काट का एक प्रतीक बन गया। इसकी आदत ऐसी हो गई, बार बार जो काम करोगे वो तुम्हारे संस्कार में आएंगे, तुम्हारे नस नस में आ जाएंगे। इसीलिए ये जानवरों को मार मार के खाने के बावजूद इंसान को भी मार मार खाने की बात कर रहा है। लेकिन कुछ कानून कायदे ऐसे हैं कि उसको मार मार के, काट काट के खाने की मनुष्य को इसको अनुमति नहीं है, नहीं तो मनुष्य को भी मार के खाएगा ये, और खा रहा है ना, और प्रत्यक्ष रूप से मार मार के खा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, वंश के नाम पर। ये वंशवादी भारत की भूमि पर ऐसा कर रहा है, धर्म के नाम पर ऐसा सिखाया, मारो काटो दुनिया में राज करो। ऐसे भी धर्म है, ऐसे भी धर्म है भाई, मार काट करके पूरे दुनिया में इन्होंने राज कर लिया, हिंदुस्तान को 1500 वर्षों तक गुलाम बनाया। ये प्रतिकृति बन गया इसका, ये सोच से ऐसा हो गया। समझ रहे हो क्या? समझ। अब बोलोगे दुनिया में मार काट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जब जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करेगा, इसकी ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी, इसका ऐसा इंस्टिंक्ट हो जाएगा। सुनो भाई, पुतिन जेलेंस्की लड़ रहा है ना, हमास इजराइल लड़ रहा है ना भाई, महाभारत की लड़ाई हुई ना, राम लंका की लड़ाई हुई ना, विश्व युद्ध एक हुआ ना, विश्व युद्ध दो हुआ ना, ये अत्याचारी दुराचारी दूसरे देशों को मारा काटा, क्या ये संस्कार नहीं है मार काट वाली? तो ये थॉट प्रोसेस है। क्या है ये? थॉट प्रोसेस। Thought in the mind has made us. Bolo, thought in the mind has made us. What we are. My thought. Rotten built. हम बार बार जो सोचते रहते, उसी को हम बोलते रहते, उसी को हम दोहराते रहते, उसी से हमारा संस्कार बनता है, उसी से हमारा सोच प्रेरित होता है, उसी से हम अपने जीवन में उसी सोच के अनुरूप कार्य करते हैं। तो मार काट का एक ही कारण है कि व्यक्ति भ्रष्ट हो चुका है, पतित हो चुका है, इंसान की इंसानियत मर चुकी है, ये जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। ये स्वार्थ, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में इतना लिप्त हो गया है कि अपने
आपके छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने जाति को धोड़ के, अपने धर्म को छोड़ के इसे कुछ दिखता ही नहीं है। और सबको ये अपने कुविचारों से, ये दुष्ट विचारों से प्रेरित करता है। लेकिन इसका मूल कहाँ से है? जानवरों पर इसने अत्याचार किया है, इसीलिए अत्याचार करने की इसकी प्रवृत्ति हो गई है। इसने ये अपना एक परंपरा कायम किया है। आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, मनुष्य मार काट क्यों करता है? क्योंकि बोलिए, क्योंकि इसने कमजोर को बार बार मारा है, काटा है, खाया है, इसीलिए इसके नस नस में स्वार्थ भर गया। जहाँ भी कमजोर को देखेगा उसको मारेगा, काटेगा, खा जाए, और उसको नॉनवेज बोलेगा। जिस दिन मनुष्य जानवरों के साथ प्रेम करेगा, करुणा दिखाएगा, आत्मवत् सर्वभूतेषु बोलेगा, इसके दिल में दया का प्रवाह, हवा की तरह ऑक्सीजन की तरह आएगा, तो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य इस पृथ्वी पर आनंद में जीवन, शांति में जीवन, करुणा में जीवन, सहयोग में जीवन जीना शुरू करेंगे। मारकाट होगा ही नहीं। तब वो बन जाएगा पंडित फकीर योगी बेंद्र। पंडित बताइए क्या है? पंडित भैया ने कोई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। और योगी कौन होता है? बुद्ध परम ज्ञानी जो शांति में विश्वास करता हो, जो करुणा, स्नेह और ज्ञान का प्रतीक हो। और योगी वृंदिरोही कौन होता है? जो बहादुर हो, जो बॉन्ड जेम्स बॉन्ड छवि का व्यक्ति हो। क्योंकि कभी भी बहादुर आदमी ही अहिंसा, सत्यास्था, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, अपरिग्रह का पालन कर सकता है। सबसे बहादुर आदमी ही स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याया, ईश्वरा परिधाना का प्रयोग करके अपने जीवन में आचरण कर सकता है। कमजोर के लिए असंभव है, वो हिल जाएगा। काम क्रोध था लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्न भाराय तस्मात् जाग्रता जाग्रता। वही व्यक्ति जिसने अपने बुद्धि को नियंत्रण में किया है, योग चित्तवृत्ति निरोध के आधार पर अपने मस्तिष्क को संतुलन किया है, वो कभी क्रोधी नहीं होगा, लोभी नहीं होगा, लालची नहीं होगा, कामी नहीं होगा। क्योंकि उसने सत्य का समझा है और वो हो गया है इनलाइटेंड ग्रेट बुद्धा। बोलिए, इनलाइटेंड ग्रेट बुद्धा। तो सवाल का जवाब मिला? मिला। मार काट की एक परंपरा बनाई है और उसका शुरुआत होता है जीव जंतुओं पर जो वो क्रूरता दिखाया है। इसलिए मनुष्य तो दिखता है मनुष्य, लेकिन वो जंगली जानवर। थू, शर्म करो मनुष्य, जागो। ए नश्वर प्राणी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें करुणा क्यों नहीं है? प्रेम क्यों नहीं है? दया क्यों नहीं है? ये पूरी पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु पशु पक्षी हमारे हैं, तुमने लिंकन की भाषा क्यों नहीं समझी? ऑल मैन काइंड आर क्रिएटेड इक्वल, ऑल क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड आर क्रिएटेड इक्वल की मेरा संबोधन है। ऑल मैन काइंड आर नॉट ओनली क्रिएटेड इक्वल, All the creatures of the world are created equal. All have to be living on the earth in perfect harmony, peace, and in perfect affection, love, and compassion. इसी को हम पर्यावरण संतुलन भी कहते हैं। The environment केवल मनुष्य नहीं है, पेड़ पौधे मनुष्य जीव जंतु जब साथ मिलकर चलेंगे, इतने सारे जीव जंतु जब घास फूस खा के जी सकते हैं, तो मनुष्य क्या मारना, हिंसा करना, तरपा तरपा के उनके गोश्त को खाना सही जाया गया? बोल बोल भाई। सही नहीं।